यार जब भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज से डेली व्लॉग करूँगा, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि डेली व्लॉग करूँगा, लेकिन नहीं होता। मतलब एक मंथ से मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि यार कुछ मसरूफियात हो गए थे और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, आने वाली हैं, तो उसके उनकी तैयारी हो रही थी। खैर वो बात की बात है, बाद में करते हैं फिर किसी वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं कराची इज्तिमा में। जैसे कि आप मेरे उलिये से जानते हैं, ये रुमाल पहना हुआ है मैंने, शलवार कमीज पहनी हुई है, टोपी भी पहनेंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, असर का टाइम हो गया है और हम लेट भी हुए हैं आज, क्योंकि आज जल्दी आ रहे थे, हमारे कुछ साथी थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा, वो उन्होंने लेट किया तो हम भी लेट हो गए। चलो चलते हैं, खैर असर का वक्त हो रहा है तो मिलते हैं वही कराची इज्तिमा। और अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, जब पहुँचेंगे तो वहाँ का माहौल दिखाएंगे कि वहाँ का माहौल किस तरह है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ आ नहीं सकते, तो उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर वो आ नहीं सकते तो वो देख लें कि वहाँ का माहौल कैसा है, मोटिवेट हो जाए, वो भी अगले साल आ सके वहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी टोपी को जज मत करना, क्योंकि ये मेरी नहीं है, किसी और की है। मैं अभी रात के 2:15 बज रहे हैं, हम आए थे चाय पीने, तो इसलिए मैंने टोपी लगा दी। और मैं सोच रहा था कि पहले वीडियो बनाऊँगा कि जगह दिखाऊँगा ये वो। असर के वक्त हम यहाँ पहुँचे थे और हम जब आ रहे थे तो हमारा जो इलाका है, हल्का बोलते हैं जो इलाका है, यहाँ पे हर किसी के अलग अलग इलाके बने हुए हैं। हमारा जो इलाका है वो हमें नहीं मिल रहा था, उसके ढूंढने के चक्कर में इधर उधर बहुत थक गए थे हम, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका। और अभी 2:15 बज रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही, हम बाहर घूम रहे, चाय पी रहे, बिरयानी भी खाई थी, वहाँ पे भी खाना खाया था और अभी बिरयानी भी खाई थी। तो देखते हैं कल इंशाल्लाह कुछ करते हैं, कल आखिरी दिन है, दुआ है कल सुबह सुबह निकलेंगे। और अभी रात के 2 बज रहे और इतना रश, ये पीछे बिरयानी बिक रही है, मतलब इतना रश रात के 2 बजे। ये वो लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुआ में आते हैं जो आखिरी दिन में होता है, तो इसलिए हम भी दुआ में आए थे एक दिन पहले, लेकिन आए थे। तो बस कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कल देखते हैं कुछ करते हैं।
ये थी कराची इज्तिमा की वीडियो, जितना बना सका उतना बना लिया। दरअसल मैं वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे इज्तिमा में जा रहे हैं या वीडियो बनाने जा रहे हैं, व्लॉग बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बनाने वाला था शुरू में। फिर मेरे एक दोस्त है, उसने कहा तुम क्यों इतने डिसअपॉइंटेड हो, तुम क्यों वीडियो नहीं बना रहे, लोग हज करने जाते हैं वहाँ वीडियो बनाते हैं और तुम कराची इज्तिमा में वीडियो नहीं बना रहे। मैंने कहा के तो सही रहे, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना बना लिया। और एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, कराची इज्तिमा में जब हम पहुँचे थे तो वहाँ मगरिब हो रही थी, मगरिब के लिए हम लोग वज़ू कर रहे थे। जैसे ही मैं वज़ू से उठा, एक लड़का आया मुझे मिला, मतलब उसने कहा तो आप मुझी आसकानी है, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, ये वो। यार इतनी खुशी हुई, मतलब यहाँ तो लोग देखते हैं, मतलब पहचानते हैं, लेकिन कराची इज्तिमा में लाखों लाखों की तादाद में लोग आए, वहाँ एक बंदे ने पहचान दिया, मतलब इतनी खुशी हुई वहाँ पर, इतना उसने अप्रिशिएट किया। और वो ये भी कह रहा था कि मैं मोबाइल नहीं लाया, मोबाइल लाया होता तो सेल्फी ले लेता आपके साथ। तो अगर आप देख रहे हैं जिसने जो मुझसे मिले हैं कराची इज्तिमा में, तो थैंक यू सो मच, मुझ आप आए मुझसे मिले। और एक और बात है, आप जब भी मुझे कहीं बाहर देखें, जहाँ भी देखें, मुझे ऐसे घूर के मत देखा करें, मेरे पास आएँ, हाथ मिलाएं, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप मेरे पास आएंगे मैं आपको नहीं कहूँगा, कसम से, आप आके मिल लें तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो खैर,